हाय लवली पीपल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ हम देखेंगे हमारे व्यूवर्स की लाइफ में क्या उनके पार्टनर लौट कर वापस आएंगे। ये एक जर्नल रीडिंग है सभी जोडिक साइन के लिए, टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। ओके, तो जो बात आपके साथ रेजोनेट करती है उसको आप रखेंगे, जो बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी उसे आप जाने देंगे। रीडिंग पॉजिटिव है तो प्लीज़, और आपको अच्छी लगती है तो आप क्लेम ज़रूर करेंगे, कॉमेंट सेक्शन में अपनी विश लिखें। ओके, ऑल राइट, तो देखते हैं हम यहाँ पर हमारे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं क्या उनके लाइफ में वापस आएंगे। ओके, ठीक है। ऑलराइट, ओह ठीक है। ठीक है। ओह माय गुडनेस, एनर्जी देखो आप, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है एम्प्रेस। वाह, ब्यूटिफुल एनर्जी। ऑल राइट, तो कार्ड्स देख के तो समझ आ गया होगा कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी ब्लॉकेज है वो क्यों है। ठीक है, तो चलो हम इसी टॉपिक को थोड़ा डिटेल में आपसे बताते हैं। यहाँ पर इस रिलेशनशिप में कोई ऐसी एनर्जी है जो आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, कोई ऐसी एनर्जी जिससे आपके पार्टनर तो निकलना चाहते हैं, या तो निकल चुके हैं या फिर समझ चुके हैं इस एनर्जी के बारे में। ठीक है, और ये एनर्जी आपके पार्टनर से और आपके रिलेशनशिप से जेलस से, ख़ास तौर से आपसे। ये एनर्जी आपसे इतना जेलस है कि आपके पार्टनर को हमेशा रोकती रहेगी। जब आप दोनों एक भी हो जाओगे ना तो भी इस एनर्जी को आपके और आपके पार्टनर के बीच में ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हुए आप लोग देख पाओगे। इस एनर्जी से कैसे निकलना है ये आप और आपके पार्टनर डिसाइड करेंगे, लेकिन जो ब्लॉकेज का कारण है वो सबसे पहले ये एनर्जी है। ये आपसे जेलसी रखती है, ये एनर्जी आप पे नज़र रखे हुए है। अगर इसके पास आपकी अकाउंट डिटेल है, लाइक व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया अकाउंट है, जेलसी फैक्टर इसमें ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं ये आपके पार्टनर के ऊपर भी नज़र रखती है एनर्जी, कि आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन आपके पार्टनर का क्या है? ये एनर्जी से निकल रहे हैं आपके पार्टनर, फोकस कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में आपके साथ, अपने करियर पे इस वक्त फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। और इस रिलेशनशिप में पूरा फोकस अब आपके पार्टनर आपके ऊपर करके रखे हैं, मतलब उनकी लाइफ में करियर है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी या कंट्रोलिंग एनर्जी जो भी है इससे आपके पार्टनर निकल रहे हैं, इससे दूर हो रहे हैं आपके पार्टनर। फोकस कर रहे हैं खुद के ऊपर, अपने वर्क पे और आपके ऊपर। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस रिलेशनशिप में वो जस्टिस चाहते हैं, बैलेंस की एनर्जी है, जस्टिस न्याय। ये किस तरीके का होगा? इस रिलेशनशिप में आपके पास वापस आकर आपके साथ जो प्रॉमिसेस हैं वो पूरे कर कर, ये ऐसी एनर्जी है आपके पार्टनर की जो उन्हें कहते हैं ना, उन्हें गिल्ट में लाकर, उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, इसलिए अब वो पूरे सच्चे मन से इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये रिलेशनशिप में इतने ब्लॉकेजेस हैं या रुकावटें आई हैं, या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन इतना ज़्यादा हुआ है कि आप हार गए हैं। आप प्यार बहुत करते हैं अपने पार्टनर से, लेकिन आपको लगा नहीं ठीक है अभी देखते हैं समय कहाँ लेके जाता है इस रिलेशनशिप को। तो ये पर्सन धीरे धीरे रिलेशनशिप में
पॉजिटिविटी और इस रिलेशनशिप को होल्ड करेगा, आपके प्यार को, आपको संभालेगा ये पर्सन हर ब्लॉकेज से, क्योंकि आपके पार्टनर अगर किसी थर्ड पार्टी है किसी भी ऐसे सिचुएशन में थे जो ये एनर्जी थी कंट्रोलिंग, इससे हटकर आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अब ये पर्सन मेल है फीमेल है, आपको अपने अपनी लाइफ का एम्प्रेस मानते हैं और लाइफ पार्टनर के तौर पे मानते हैं ये पर्सन आपको, क्योंकि जो भी एनर्जी हो सकता है इनकी मदर है, कोई ऐसी थर्ड एनर्जी है जो इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी नहीं चाहती है, हमेशा दूर करती है आप दोनों को, तो इससे परे हट के आपके पार्टनर अब आपके बारे में सोच रहे हैं। स्ट्रेंथ किस चीज़ की है? स्ट्रेंथ इस चीज़ की है कि वो इस रिलेशनशिप में अब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं लेकर आना चाहते जिससे कि आप दोनों के बीच में कोई भी ब्लॉकेज आए या आप दोनों के बीच में कोई ऐसी एक कोई ऐसी बात हो जिसमें दूरियां हैं। ये पर्सन किस तरीके का जस्टिस चाहेगा इस रिलेशनशिप में? प्यार का जस्टिस, प्यार। ये पर्सन आपको बहुत प्यार देंगे, आप इस पर्सन को जितना प्यार करते हो आप भी उतना ही प्यार दोगे, दोनों में लॉयल्टी, रेस्पेक्ट, केयर सब कुछ होगी, क्योंकि रिश्ते में इज्जत होनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग करेगा। एस ऑफ वैंड्स के साथ आया है यहाँ पर फोर ऑफ वैंड्स, इसका मतलब ये है कि आप दोनों का एक दूसरे से रिश्ता मजबूत होगा। यहाँ पर जस्टिस के साथ देखो फोर ऑफ वैंड्स भी है, टू ऑफ कप्स भी है, इसका मतलब ये है कि ये रिलेशनशिप शादी तक जाएगा, और आप अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो तो दोनों के बीच में शादी जो रीयूनियन है वो हो जाएगा, सिंगल्स उनके उनके पार्टनर से शादी होगी। एनर्जी बहुत पॉजिटिव है और बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है। चैनल पर नए हैं तो चलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।